तो कैसे सोही गेम गैंग, स्वागत तुम सभी का एक और ब्रांड न्यू पबजी द मोबिलिटी की कतई तबाही वाली गेम प्ले वीडियो में। और खैर पायलट प्लाजा उतर रखे, लेकिन उतरते ही कोई बंदा नहीं दिखता। अब जैसे नीचे की तरफ कूदता हूँ तो सामने ही वाली बिल्डिंग में एक पूरी स्क्वाड आती हुई दिख जाती है, जो कि बहुत गलत लैंडिंग करते हैं, मतलब लेट लैंडिंग। और लेट लैंडिंग के फायदे और नुकसान पता ही है तुम लोगों को। खैर मेरे को यहाँ पर पहले तो शॉट गन मिलता, तो ऐसे तो मैं रश करने वाला नहीं हूँ जब तक मेरे को कोई ऑटो गन ना मिल जाए। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद एके मिल जाता है और फिर बारी थी उनके ऊपर रश करने की। तो फिर क्या था यार, रश करते हैं और एक बंदा तो पहले ऑफलाइन मिल जाता है। अब बारी है इनके टीममेट की, जो कि इसी घर के सेकंड फ्लोर पे हैं, जो कि अब टीपीपी ले रहे हैं एकदम सीढ़ियों पे बैठकर। मुझे फुटस्टेप से पता चल गया था, तो मैं रोटेट मार के पीछे की तरफ चले जाता हूँ। अब इस बंदे को देखो, और बंदे बिना कैसा कैसा नाम रखते हैं, सिटी लाइफ और जो भी लिख रखा है इसने आगे। अब यहाँ पर सिटी लाइफ का तो द एंड हो जाता है, लेकिन इसका भी एक और टीममेट है, जैसा कि पूरी स्क्वाड उतर रखी थी यहाँ पे। थोड़ा बहुत इधर उधर लूटने के बाद अब फुटस्टेप आना बंद हो चुके हैं यहाँ पे, तो बंदों का कुछ अता पता नहीं होता, लूट ही रहे होते हैं। छत पे पहुंच गया होता मेरे को एस्ट्रोल के मिल गया होता, तब फिर से फुटस्टेप आता। अब बंदा जो है ना इसी घर के नीचे की तरफ सेकंड फ्लोर पे होता, और सामने ही बंदा दिख जाता है जाता हुआ, बस भाग रहा था सामने, और मेरे हाथ में S12K है। अभी क्योंकि इस स्क्वाड का लास्ट बंदा बच रहा है, ये सोचकर यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करने लग जाता हूँ, लेकिन फिर फुटस्टेप आते हैं। मैंने सोचा इसका टीममेट आ रहा होगा तो इसकी कंप्लीट पेटी बना देते, लेकिन स्कैम हो जाता है यहाँ पे हमारे साथ। खैर ये बंदा तो बॉट निकल जाता है, उम्मीद हमने कुछ और करी थी, लेकिन अभी जिस स्क्वाड को हम धीरे धीरे करके निपटा रहे हैं ना, अब उस स्क्वाड का लास्ट बंदा आने वाला है यहाँ पे। ये भाई साहब भी शॉटगन की दो बुलेट्स में निपट गए, और एक एक करके इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड लॉबी पहुंच चुकी है। अब खैर पूरा का पूरा पायलट प्लाजा क्लियर है, मतलब अपना ही है सब कुछ, और इनकी पेटियों में से हमको फ्लेयर गन मिल चुका होता है, जो कि क्वीन के हाथ में होता है। वो थोड़ी देर बाद वहाँ पर चला भी देती है, क्योंकि आसपास कोई भी बंदा नहीं होता इतनी दूर में, तो फ्लेयर आ भी जाता है थोड़ी देर वेट करने के बाद, और इसमें से मॉन्स्टर गन मिल जाती है। अभी क्योंकि अब मेरे हाथ में ना मॉन्स्टर गन है MK14, जो कि आउटो पर रख लिया मैंने और ऊपर से एक्सटेंड कर लिया उसको। अब खैर अपार्टमेंट के पास आते हैं, और यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि क्या ही गंदा स्प्रे देता है। क्वीन का भी HP आधी चली जाती है, मेरी भी आधी HP चली जाती है। एक टाइम के लिए तो हैकर लगा था, और शायद हो भी सकता है, लेकिन ऊपर जाते ही मैं उसके ऊपर MK चिपका देता हूँ, जो कि सामने ही दिख जाता है। समीर किंग खान भाई साहब अपने में ही मगन होके यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने आ गए थे अपनी टीम से अलग होके, तो यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होती, अपन इजीली पेटी बना देते और यहाँ से बग्गी लेके निकल भी जाते हैं, क्योंकि अब करना भी क्या यार, एक भी बंदा नहीं मिल रहा और मॉन्स्टर गन है, मतलब रश तो करना बनता है। अब जैसे ही हम स्टेडियम के बगल से गुजर रहे थे, अब देखो यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड मिलने वाली है। और भाई साहब यहाँ पे क्या ही कर दिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। AKM की एक स्प्रे से तीन तीन बंदे चले गए, वो अलग बात है क्वीन ने डैमेज दे रखा था, और जिस बंदे को मैंने सबसे पहले यहाँ पे निपटाया ना MK से, उसका नशा तो बहुत महंगा वाला था। यहाँ पर पूरी की पूरी बग्गी आ चुकी है, दो बंदे आ चुके, लेकिन नहीं, अपन ने जिस पे एम टिका के रखा उसी पे एम टिका के रखे। उसने रत्ती भर भी सामने जो स्टेडियम में बंदा था उससे अपना एम हटाया नहीं, और इसी चक्कर में इन सब की पेटी बन गई यहाँ पर। अभी यहाँ पर एक और बंदा है स्टेडियम में, अगर चाहते तो हम उसके ऊपर रश कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर रश करके ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, तो खैर अपनी बग्गी उठाकर निकल लेते हैं यहाँ से। सोचा था यहाँ पर फाइटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि एक पूरी पूरी स्क्वाड है, लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब क्योंकि बंदे चाहिए और 10 किल हो चुके हैं, 19 बंदे अभी भी लाए हुए, तो बहुत अच्छे खासे किल निकलने वाले हैं अभी भी। तो यार गाड़ी घुमाते रहते हैं बंदे की तलाश में, बस बंदे दिख जाए हाथ में MK, तो वैसे ही आउटो पे चल रही है धड़ाधड़, पेटियां भी बनेंगी धड़ाधड़। अब खैर यहाँ पर जब तक बंदे मिलते हैं ना, तब तक तुम एक काम करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपनी गेमर गैंग के साथ हो जाओ, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही होगी तो जरूर से लाइक कर देना। और गाइज यार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर तुमको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, और ज्वाइन करने के लिए अपना डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा, तो जाकर दोनों जगह पर ज्वाइन प्लस फॉलो कर लो। अब यहाँ पर थोड़े बहुत फायर शॉट के साउंड आते हैं, जो कि सेंटर रोड की तरफ से आ रहे थे, तो पहली फुर्सत में बग्गी सीधा वहीं पर ले लेते हैं, और एक बंदा देखना मुंह पे ही आ जाता है।
बिल्कुल भी ऐसी आशंका नहीं थी कि ये भोलू भैया एकदम से मुंह के सामने आ जाएंगे। अभी इसका एक और टीममेट है जो कि यहाँ से बहुत दूर ऑफलाइन पड़ा रहता है, और जैसे ही एक दो शॉट्स पड़ती है ना उसके अंदर जान आ जाता है। और जैसे ही नाम पढ़ता हूँ मेरे को पता चलता है कि ये बेचारा नहीं, ये बेचारी रहती है जो कि वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। शायद उसको बर्तन वर्तन धोने होंगे तो उसकी मम्मी ने डांटा होगा, तो वो मोबाइल फोड़ कर वहाँ मोबाइल फ़ोन छोड़कर काम वाम करने लग गई होगी, और जैसे ही पढ़ती है तो फिर भगना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन पेटी यहाँ पे बन चुकी है इनके। अब स्टेडियम से फिर से यहाँ पर ना थोड़े बहुत शॉट्स के साउंड आ रहे थे, मैं देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन दिखता ही नहीं कोई, तो बग्गी उठाकर सीधा निकल लेते कहीं और किसी और बंदों की तलाश में। अब देखो सीन ऐसा होता है, जब तुमको बंदों की ज़रूरत होती है तब बंदे मिलते नहीं हैं, और जब मिल जाते हैं तो दो तीन स्क्वाड एक साथ मिल जाती है और फिर तुम्हारी पेटी बन जाती है एट द एंड, ऐसा ही होता है। और देखो अब यहाँ पर मैं जो है ना विलेज भी घुमा लेता हूँ बंदों की तलाश में, लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका था बट एक बार फिर आ जाता हूँ, लेकिन यार यहाँ पर भी बंदे नहीं होते। अब सोचा झूले की तरफ होंगे ऊपर तो वहाँ पर गाड़ी चढ़ा देता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी बंदे नहीं होते। इतने में पंचवटी की तरफ से ना एक गाड़ी, यानी कि कौन सा गाड़ी होती है, हाँ यूएसआर आती हुई दिखती है जो कि पंचवटी पे रुकी होती है। तो बग्गी उठाते हैं यार और रोटेट मार के उनके ऊपर फ्लैंक कर देते हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने पंचवटी में शरण लेने का सोचा रहता है, और दो बंदे उतर कर भग गए होते हैं गाड़ी से, लेकिन एक बंदा अभी भी गाड़ी में बैठकर चिल कर रहा होता है। अब अंकित कुमार का एक और चड्डी बड्डी जिगरी दोस्त यहाँ पर उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन खुद भी पिल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर तीन बंदे दिखे थे और एक लास्ट बंदा बच रहा है, जिस बेचारे की बहुत बुरी तरह से फटी पड़ी रहती है, एकदम मासूम तरीके से बैठकर कैम्प कर रहा होता है। देखना बस एकदम स्ट्रेट में ही बैठ रहा था और एमके चिपका देते हैं यार मुँह पे उसके, बहुत बुरा लगता है बंदे के लिए। खैर हमने पेटी बना दी क्योंकि इसकी मासूमियत इसके चेहरे से नहीं इसके चाल ढाल से झलक रही थी, एकदम कैंप करके बैठा था। अगर मैं ऊपर जाता तो ये तो मेरी पेटी बना देता, भले मैं इसको मासूम समझ के इसके सामने उछलना ही क्यों ना स्टार्ट कर दूं, तो पेटी बनानी पड़ी मजबूरन मेरे को। अब क्या है ना गाड़ी उठाकर फिर से बंदों की तलाश करते हैं, क्योंकि लास्ट के सिर्फ यार चार ही बंदे बचे, और हमने सोचा था एक ही स्क्वाड के होंगे और शायद वैसा ही होता है, एक ही स्क्वाड के होते हैं, मेरे को याद नहीं है भूल गया हूँ मैं। फिलहाल अपन वापस विलेज यानी कि अपने गाँव की तरफ घुमा रहे होते हैं गाड़ी, लेकिन वापस से यहाँ पर कोई नहीं दिखता तो अब ऊपर झूले की तरफ जाने लगता है। अब इतने में एक स्मोक होता है यहाँ पे और हल्के फुल्के फुट स्टेप भी आते हैं। अभी क्योंकि झूले के पास भी बंदा होता है तो गाड़ी पहली फुर्सत में भगा लेते हैं, वैसे चाहते तो उसको निपटा सकते थे, झूले वाले को अकेला ही होता है, लेकिन क्यों रिस्क लेना यार, एक ही बंदा दिख रहा है, क्या पता कभी वहाँ पे उतरे और पता चला तीन तीन चार चार बंदे निकल जाए पूरी पूरी स्क्वाड वहाँ पे, तो इसीलिए चुपचाप गाड़ी वहाँ से भगा लेते हैं और फिर रोटेट करके अब जाएंगे बंदों की पेटी बनाने के लिए। पहले तो जाकर चुपचाप से एक घर होल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही टट्टी स्प्रे का प्रदर्शन देता हुआ मैं, और एक बॉट भी होता है सामने की तरफ, इससे पहले कि उसको कोई और मार के उसके ऊपर अत्याचार करे हम उसको बचा लेते हैं, उसको लॉबी पहुँच देते हैं पहले ही बहुत सम्मान के साथ। अब एक सांप दिखता है सामने की तरफ जो कि बहुत इज्जत के साथ लेटा रहता है। अब थोड़ी बहुत और जाँच पड़ताल करते हैं, एक और सांप दिख जाता है जो कि सामने ही लेटा है। अभी इस बंदे की पेटी पूरी अच्छे तरीके से नहीं बनी और ये घसीटता घसीटता सामने की तरफ जा रहा है। हमने भी बोला जा भाई, जब तेरा टीममेट वहाँ पे तेरे को रिवाइव देने लगेगा तब आकर तेरी पेटी बनाएंगे और अब तेरे टीममेट की पेटी बनाकर सबको निपटा कर चिकन डिनर कर लेंगे, लेकिन वो अभी भी घसीटता घसीटता अकेले ही जा रहा है वहाँ पे, उसका टीममेट होता ही नहीं वहाँ पे, पता नहीं कहाँ पर होता है।
बचा सिर्फ लास्ट का एक बंदा जो कि घरों के छतों में जाकर कैंप कर रहा होता, और बेचारा लास्ट में कंफ्यूज हो जाता है कि किसके ऊपर एम लूं, एंड उसको भी निपटा देते हैं हम, क्योंकि दो तीन बुलेट से लगते हैं और फिर इजी चिकन नियर कर लेते हैं। तो आई होप तुम लोगों को आज का ये वाला सस्ता सा लॉबी वाला गेम प्ले जरूर से पसंद आएगा। पता नहीं ऐसी लॉबी क्यों आई है, शायद सबका गेम बैन हो गया या सर्वर बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं यार, सर्वर बंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बट होना चाहिए था बट नहीं हो रहा, बट ठीक ही है ना, हमारे लिए सही है। अब बहुत सारे बंदे KR वर्जन में खेलने लग गए, पता नहीं क्यों। भैया गेम जब तक चल रहा है तब तक लाइट ही खेलो यार, जब नहीं चलेगा तो कोरियन वर्जन खेल लेना। तो आई होप कि बस तुम लोगों को आज का ये वाला गेम प्ले जरूर से पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर से करके जाना, एंड मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चल भाई, ठीक है, सुन, हेलो।